दमोह जिले के जबेरा थाना अंतर्गत सिंग्रामपुर के हाई स्कूल से अध्ययन कर वापस साइकिल से लौट रहे छात्रों को अज्ञात बोलेरो पिकअप वाहन ने फलको नाला के पास जोरदार टक्कर मार दी और पिकअप वाहन फरार हो गया। टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए छात्र वहीं पड़े थे। छात्रों की साइकिल भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तभी वहां से गुजर रहे जिला भाजपा उपाध्यक्ष रुपेश सेन की नज़र घायल छात्रों पर पड़ी। उन्होंने तत्काल घायल छात्रों के संबंध में 100 डायल और 108 को सूचना दी। 100 डायल चालक महेंद्र सिंह, आरक्षक रवि गौतम व 108 चालक मनोज पुरोहित, दिलीप अठिया द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा लाया गया, जहां डॉक्टर एसएस मौर्य द्वारा घायल छात्रों का प्राथमिक इलाज किया। वहीं गंभीर रूप से घायल शिवम चौधरी को जिला चिकित्सालय दमोह रेफर किया गया। वहीं छात्र अमन झारिया और आकाश चौधरी निवासी कुसमी हरदुआ को सामान्य चोट आने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही इलाजरत थे। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। जा रहे थे वो घर जा रहे थे और बिलोरो वाले आन के मार गए और फलको नाला के पास मंदिर के सामने। क्या नाम है? आकाश चौधरी। कौन से स्कूल में पढ़ते? हाई स्कूल। अभी लगभग 4:15 पर 108 से 3 बजे स्कूल के 3 बच्चों को लाया गया है, जो कि एक्सीडेंट में घायल हुए थे। ये एक्सीडेंट फलको नाले के पास में एक बोलेरो गाड़ी से हुआ है। इन बच्चों का नाम शिवम, अमन और आकाश है, जो कि इनको जो कि अलावा साधारण चोटें आई हैं। इनका प्राथमिक उपचार देने के बाद शिवम को दमोह के लिए रेफर कर दिया गया है। Subscribe now to most exciting channel ever.